Hi everyone, in last lecture we have completed development of pyramid. Today we are going to start development of cone. Question हम देख लेते हैं board पर development of cone का. आप लोग practice करते रहिए साथ में, जो भी मैं question करा रहा हूँ आप उसको practice करते रहिए. Question अभी देखते हैं क्या है. Draw the development of cone having base diameter 40 mm and height 60 mm, means height of axis is 60 mm, is resting on its base on HP. उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है. ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है आप लोगों का, फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको. यहाँ पर डेवलपमेंट इसका देख लेते हैं, कोन का कैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं. थोड़ा सा वेरिएशन है, आपको पता है कोन का डेवलपमेंट हम लोग रेडियल लाइन मेथड से करते हैं, तो रेडियल लाइन मेथड ही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन हो जाता है, तो वो हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं. कैसे कैसे हमने देखा है वो देख लेते हैं. यहाँ पर कोन का हमने डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले कोन का बेस जो है HP पर रखा हुआ है. कोन क्या होता है आप लोगों को पता है, कोन के पास एक सर्कुलर बेस होता है और फ्रंट में देखिएगा तो एक ट्रायंगल जैसा आपको दिखता है, वो भी एक सर्कुलर सर्कुलर होता है अलग अलग रेडियस का. यहाँ पर कुछ हो गया, फिर नीचे जाइएगा तो बढ़ जाएगा, फिर और नीचे जाइएगा तो बढ़ जाएगा. एक टाइप का समझ लीजिए बर्थडे का जो कैप आता है ऊपर में, आप देखे होंगे बच्चे लोग पहने रहते हैं, तो वो एक तरह का कोन होता है. तो कोन का ही हमने डेवलपमेंट करना है, उसे ओपन करना है. तो ओपन करना होगा तो आपको एक अम्ब्रेला जैसा खुलेगा वो, तो वही यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने देखना है कि डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले फ्रंट और टॉप में क्या हमें दिख रहा है, पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन यहाँ पर उसका पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, फिर डेवलपमेंट का पोर्शन हमें कंप्लीट करना होगा. तो पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन देख लेते हैं. तो बेस बोल रहा है HP पर रखा हुआ है, तो जब भी बेस को HP पर रखते हैं, आपको पता है जब भी बेस HP पर रखते हैं तो टॉप से हम देखेंगे तो हमें उसका बेस का शेप दिखता है. यहाँ पर बेस का शेप कोन है, तो बेस का शेप सर्कल होगा, तो टॉप व्यू में हमें सर्कल बनाना है. फ्रंट से देखिएगा आप तो आपको ट्रायंगल जैसा दिखने वाला है, जिसका हाइट दिया हुआ है 60 mm हाइट है एक्सिस का, तो हमने टॉप व्यू में सर्कल बना लेना है जिसका डायमीटर 40 mm दिया हुआ है, और फ्रंट व्यू में ट्रायंगल बनेगा जिसका एक्सिस का हाइट 60 होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे. 60 हाइट का हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें टॉप व्यू बनाना होगा, वैसा व्यू बनाते हैं जो हमें जिसके हेल्प से हम बाकी का व्यू बना सकते हैं, इसलिए पहले हम वो बनाते हैं. तो बना लेते हैं, एक्स वाई लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, एक सर्कल बना लेते हैं टॉप में. आपको एग्जैक्ट कंपास से लेना है, 40 mm डायमीटर का सर्कल बनाना है. 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 40 mm डायमीटर का आपको सर्कल बनाना है, तो मैंने 40 mm डायमीटर का सर्कल बना लिया है. अब यहाँ पर डेवलपमेंट है और यहाँ पर कोई सेक्शन का पोर्शन नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ कोन है यहाँ पर. तो हम लोग इस कोन को 4 पार्ट में भी डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम इजीली हो जाएगा. तो यहाँ पर हम 4 पार्ट में ही डिवाइड करने वाले हैं. अगर सेक्शन का पोर्शन होगा तो वहाँ पर पॉइंट ज़्यादा हमें निकालना होता है, तो उस केस में हमें फिर ज़्यादा पॉइंट निकालने के लिए हमें जो टॉप व्यू में सर्कल बनाएंगे वहाँ पर हमें ज़्यादा सेक्शन करना, ज़्यादा पार्ट में इसको सर्कल को डिवाइड करना होगा. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 4 पार्ट में ही कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको बना लेते हैं. तो डिवीज़न जो है आप लाइट पेंसिल से आपको करना है, डिवीज़न आप लाइट पेंसिल से कीजिए. यहाँ पर ये मैंने डिवाइड कर लिया, अब डिवीज़न हुआ है तो उसका हमें नेमिंग भी करना होगा, तो नेमिंग आपको कर लेना है. नेमिंग यहाँ पर एक बेस है, सिंगल बेस है, तो यहाँ पर नेमिंग आपको सिंगल ही करना है. 1 2 3 4 या ABCD आपको जो अच्छा लगे आप उसके लिए फ्री हैं, तो मैं 1 2 3 4 कर लेता हूँ. और बीच में एपेक्स होगा बिकॉज बेस है, बेस का जहाँ पर सर्कल का जो सेंटर होगा उस सेंटर के जस्ट ऊपर जो हाइट दिया हुआ है उस हाइट पर हमें यहाँ पर एपेक्स होगा, मतलब उसका ऊपर का कॉर्नर होगा जिसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट होगा, जिसको हम लोग वॉर्टेक्स भी बोलते हैं या एपेक्स बोलते हैं. तो ये एपेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमने फ्रंट व्यू में इसका ट्रायंगल बना लेना है जो हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है. हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए, प्रोजेक्टर लाइट पेंसिल से ड्रॉ होगा. हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है, मैं फ्री हैंड बनाता हूँ तो थोड़ा सा एरर आपको लगता होगा. आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ कंपास और मिनी ड्राफ्टर, रोलर स्केल सबके हेल्प से आपको बनाना है. ये हमने बना लिया. अब जैसे कोन बनाते हैं, कोन का बेस HP पर बोल रहा है, कोन का बेस HP पर है, तो यहाँ पर कोन का बेस HP पर रखते हुए हमें ट्रायंगल ऐसे करके बना लेना होगा, जैसे सेम हम लोग पिरामिड में बनाए थे. आपको फ्रंट व्यू में ट्रायंगल इसमें भी दिखता है, फ्रंट व्यू में ट्रायंगल उसमें भी दिखता है, टॉप व्यू हमें डिसाइड कराता है कि कोन है या पिरामिड है. तो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, एक्सिस आपको डैश डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा, जिसका हाइट यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60 हाइट यहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर हमारा एक्सिस हो जाएगा. एक्सिस हमने दे दिया, अब इस पॉइंट को एक्सिस ओ डैश से एपेक्स से मिला लेना है. आपको प्रॉपर स्केल रखकर मैं इसको मिला लेता हूँ फ्री हैंड, मानता हूँ यहाँ पर मिल गया ये.
ये हो गया हमारा। अब नेमिंग आपको कर लेना है, यहाँ पर वन था तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रंट व्यू में वन डैश, यहाँ हो जाएगा थ्री डैश, अंदर में हो जाएगा फोर डैश और बाहर में हो जाएगा टू डैश। ये हमने नेमिंग कर लिया है। उसका हाइट आपको डायमेंशनिंग करते हुए चलना है, किसी किसी क्वेश्चन में मैं डायमेंशनिंग छोड़ देता हूँ, बट आपको करते हुए चलना है बिकॉज डायमेंशनिंग पे भी मार्क्स कटते हैं। अगर एग्जामिनर आपका चाहे तो डायमेंशनिंग आपने नहीं किया है तो उस पर भी वो मार्क्स आपको डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये 60 है तो 60 आपको दे देना है। MM कभी भी शो नहीं करना है, ये सर्कल है तो 540 करके आप शो कर सकते हैं यहाँ पर, या कहीं कहीं आपको अंदर में भी शो किया जाता है, बट हम लोगों को बेटर अपीयरेंस के लिए हम लोग बाहर ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो दिखने वाला है। अब हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड मतलब डेवलपमेंट ऑफ कोन का हमने करना है। डेवलपमेंट ऑफ कोन का यहाँ पर करना है तो आपको पता है कोन का हम लोग डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से करते हैं, तो रेडियल लाइन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रेडियल लाइन मेथड तो यूज़ कर सकते हैं, ओ डैश है वो यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया जैसे हमने पिरामिड का किया था। अब देखिए ट्रू लेंथ इस केस में कौन सा है, ट्रू लेंथ आप देखिएगा तो आपको क्या नज़र आने वाला है, ओ से थ्री जो लाइन है ये वो फ्रंट में हमें ओ डैश थ्री डैश दे रहा है। ओ से थ्री लाइन इस एक्स वाई के पैरेलल भी है, इसका मतलब फ्रंट में जो ये लाइन मिल रहा है ओ डैश थ्री डैश ये हमें ट्रू लेंथ को बता रहा होगा। उसी तरह से ओ और वन यहाँ पर ये भी ट्रू लेंथ हमें दे रहा है। सिमिलर आपको हेक्सागोनल पिरामिड का जैसे हमने देखा था वहाँ पर दोनों तरफ हमें ट्रू लेंथ मिलता था, तो सेम यहाँ पर हमें दोनों तरफ ट्रू लेंथ मिल रहा है। तो ये ट्रू लेंथ ये भी ट्रू लेंथ है, ये भी हमारा ट्रू लेंथ ही है, दोनों ट्रू लेंथ है दोनों साइड। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ तो कर लेंगे हम लोग, इसके हेल्प से आर्क भी बना लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा ये मेथड होगा नहीं, मानते हैं हमने आर्क भी बना लिया, इसको यहाँ से यहाँ मिला भी लिया। बट सेम प्रॉब्लम वहाँ पर जैसे सिलेंडर के केस में हुआ था, पिरामिड में हमने क्या किया था, वन से टू मेज़र किया था बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन था, बेस उसका स्ट्रेट लाइन था, तो वन से टू हमने मेज़र किया था और यहाँ पर कट कर लिया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वन से टू एक आर्क है, अगर हम लोग कंपास में मेज़र करेंगे तो ये हमें आर्क का लेंथ ना देकर ये हमें ये लेंथ देगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ये लेंथ देगा, वन से टू ये लेंथ दे देगा, ये आर्क का लेंथ नहीं देगा। आर्क का लेंथ नहीं देगा, वन से टू ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ दे देगा, और उस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर हम लोग जब कट करेंगे तो वो जो इसका लेंथ होगा उस लेंथ से कम वहाँ कट हो जाएगा, कम कट होने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर ये हमें एग्जैक्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट हमारा कम हो जाएगा, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तब हमें यहाँ पर कौन सा मेथड करना होगा, तब थोड़ा सा हमें यहाँ पर एंगल निकाल कर अगर हम लोग कर लें तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिलेंडर के केस में हमने क्या किया था कि सरकमफ्रेंस निकाला था, सरकमफ्रेंस निकाल के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया था, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन जितना भी आया था यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गया था, उसको मिला दिया, फिर अंदर वाले पार्ट को डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पर हम लोग सरकमफ्रेंस भी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये आर्क है, आर्क है तो उसका हम लोग ये हम लोग अगर निकालते हैं इसका तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देखिए इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल का एक फार्मूला है आपको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। अगर बीच का एंगल ये हम लोग निकाल लें तो हम लोग ईजिली बना सकते हैं यहाँ पर दो लाइन एंगल, अगर हम लोग बना लें एंगल बना लेंगे हमें बीच का एंगल पता चल जाएगा कि अगर हम लोग उस कोन को डेवलप किए खोलें ओपन किए तो बीच का कितना एंगल बन रहा है। अगर उस एंगल को हम लोग बना लें तो दोनों तरफ से हम लोग लाइन ड्रॉ करके फिर आर्क बना सकते हैं नीचे में इजली, बिकॉज हमें ट्रू लेंथ तो मिला ही हुआ है, हमें रेडियस तो पता ही है। अगर हम लोग एंगल बता लें तो हम बता सकते हैं कि ये वाला लाइन कहाँ तक जाने वाला है, कैसे होगा। सरकमफ्रेंस भी नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज सरकमफ्रेंस अगर निकालेंगे इसका पाई डी से तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन तो हमें यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पर तो हमें ओपन करना है, तो यहाँ पर आर्क मिलने वाला है, तो आर्क मिलेगा तो ये भी सरकमफ्रेंस से हम नहीं निकाल पाएंगे। सिलेंडर के केस में सरकमफ्रेंस निकालते हैं बिकॉज सिलेंडर का ऊपर का जो पोर्शन होता है और नीचे का पोर्शन होता है दोनों को जब ओपन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, बट कोन के केस में क्या है ये ऐसे है और ये सब इंक्लाइंड है, जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो एक अम्ब्रेला टाइप का ओपन होगा, ये ऐसे इस टाइप का आर्क जैसा बनने वाला है, तो सरकमफ्रेंस से भी यहाँ काम नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पर एंगल इस मेथड से निकालना होगा। बाकी को रब कर देता हूँ, पहले एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद फिर निकालेंगे। अब देखना है स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर ये रेडियस है यहाँ से यहाँ, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ नीचे में आपको बताने के लिए, इसको आपको शो नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैं शो कर दे रहा हूँ कि ये वाला स्मॉल आर है
ये जो ट्रू लेंथ लिखा हूँ ये आपका कैपिटल आर है। तो अगर इतना बाई इतना कर दिया जाए इंटू 360 कर दिया जाए तो हमारा एंगल निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्पेस नीचे कम है तो स्मॉल आर आपको पता होगा, स्मॉल आर यहाँ पर 20 है, बट कैपिटल आर आपको नहीं पता है। कैपिटल आर हम लोग इससे या तो डायरेक्टली आप स्केल रखकर ओ डैश से थ्री डैश का लेंथ आप मेज़र कर लीजिए, जितना भी आ रहा होगा वही आपका कैपिटल आर है। अदरवाइज़ ये हाइट आपको पता है 60 और ये बेस यहाँ से यहाँ स्मॉल आर पता है 20, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू, जो भी वैल्यू आएगा वो कैपिटल आएगा। वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 63.24 आ रहा है, 63.24, स्मॉल आर का वैल्यू 20 है, ये हो जाएगा 63.24 इंटू 360 डिग्री, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। वो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 63.24 इंटू 360 डिग्री 113.85 आ रहा है, अप्रॉक्स 114 डिग्री आ रहा है, 114 डिग्री आपका आ गया। अब इसका हम लोगों को एंगल बना लेना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले वो पॉइंट हम लोग जैसे लेते थे वैसे लेंगे और इतना आर्क इतना लेंथ का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे कहीं से भी, फर्स्ट लाइन हम लोग कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका लेंथ इतना ही होना चाहिए। आप स्केल रख लीजिए, स्केल से जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू का हमें लेंथ ले लेना है 63.2524, या फिर पहले आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर 63.2524 इस पर कट कर लीजिए। मानता हूँ यहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब इसी को रेफरेंस लेकर हम लोगों को एंगल जो आ रहा है 114 डिग्री उसको हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है, इसको सेंटर लेकर यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ से 114 डिग्री जितना आ रहा है वहाँ तक आपको ड्रॉ कर लेना। मानता हूँ ऐसा करके यहाँ पर लास्ट आ रहा होगा, इसी बीच का एंगल जो होगा 114 डिग्री आया होगा, जिसको सेम लेंथ जितना ये लेंथ था उतना ही लेंथ का यहाँ पर भी इधर भी ड्रॉ कर लेना है। मैंने ड्रॉ कर लिया और इसको फिर डार्क पेंसिल से मिला लेना है, सेम रेडियस होगा, इधर का भी रेडियस वही होगा, कैपिटल आर इधर भी होगा और कैपिटल आर इधर भी होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 63.24 का और 63.24 का, ये भी वन है ये भी वन है, आप देख लीजिएगा दोनों तरफ हो सकता है मेरा इधर छोटा लग रहा हो उधर बड़ा लग रहा हो, बट ये एग्जैक्ट दोनों तरफ बनेगा, आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ लेकर बनाना है। ये हमने डेवलपमेंट कर लिया है, बट यहाँ पर हमने सर्कल को फोर पार्ट में डिवाइड किया था, तो आपको यहाँ पर सर्कल को फोर पार्ट में यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, या तो आप डायरेक्टली 114 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 114 को आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाई 2 57, तो 57 पर हाफ कर दो इसका, वैसे भी कर सकते हो 57 का फिर हाफ हो जाएगा, आई थिंक 28.5 आ जाएगा फिर, तो फोर पार्ट में हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 57 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ हो जाएगा 57, उसी तरह से 57 का हाफ हो जाएगा 28.5 ऐसे, फिर 28.5 ऐसे, नेमिंग आप कर लीजिए 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 1। इस एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करके भी कर सकते हैं, कैसे, 114 है तो 114 हाफ से थोड़ा ज़्यादा आर्क लेंगे, यहाँ पर एक कट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से आर्क लेंगे, यहाँ कट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर पॉइंट आएगा इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, वो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। एंगल बाइसेक्ट करने का जैसा मेथड आपने पढ़ा होगा 10th 12th में, उसी मेथड से भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दो एंगल हैं, एक यहाँ पर कंपास का टिप रखकर एक आर्क यहाँ लेंगे, फिर यहाँ कंपास का टिप रखकर ये आर्क यहाँ लेंगे, जहाँ पर पॉइंट आएगा उसको सेंटर से मिला देंगे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ से आर्क लेंगे यहाँ, यहाँ पर रखकर यहाँ इससे यहाँ यहाँ मिला देंगे, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप एंगल बाइसेक्ट करके डिवीजन कर रहे हैं तो ये सब एक्स्ट्रा जो क्रॉस किया था उसको आप रब कर लीजिएगा, या एकदम बहुत लाइट करके कर दीजिएगा, इरेजर से रब करके एकदम लाइट कर दीजिएगा, क्योंकि वो सब हमारा कंस्ट्रक्शन का है, हेल्प करने के लिए हमने यूज़ किया है। मेन आपका डायग्राम यही है, ये दोनों जो आर आर मैं दोनों तरफ लिखा हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको वैसा नेमिंग यहाँ पर नहीं करना है, बस आपका डेवलपमेंट ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पर भी आपको फोर पार्ट में डिवाइड करना है। तो सिलेंडर में आपको क्या बताया था, पाई डी करके हमने निकालना है, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह से कोन में भी हमने थीटा निकालना है, थीटा निकालने के बाद हमें ये कैलकुलेट करना है। तो थीटा का फार्मूला
स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री होता है, उसको आप पुट कीजिएगा, जो भी आपका आंसर वैल्यू आ रहा होगा उतना का यहाँ पर एंगल आप ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद फिर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमने डेवलपमेंट का पोर्शन बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन वाले पोर्शन में, मतलब डेवलपमेंट में कुछ कुछ कटा हुआ सॉलिड आता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमएडी में आता है, 2018 में आया हुआ है, थोड़ा सा वेरिएशन कभी कभी करता है, 2019 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, थोड़ा सा वेरिएशन कभी कभी करता है, तो हम लोग उसका वेरिएशन भी देख लेंगे और क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में है थोड़ा सा वो भी हम लोग देख लेंगे। कुछ ट्रे का आई थिंक दिया हुआ है, कुछ टैप का दिया हुआ है, वो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेवलपमेंट का जो आगे का पोर्शन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है और आया भी है उससे हम उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा अब तक आप पूछ सकते हैं और देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिए खुद से, और वीडियो को पसंद आए तो लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। बिकॉज ऑफिशियली तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एफर्ट आपको लगा रहा हूँ आपके हेल्प के लिए वो दूसरों को भी हेल्प हो जाए और वीडियो पे कुछ व्यूज़ भी हो जाए, इसलिए आप इसको देखिए भी और लोगों तक शेयर भी कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करें कि इस वीडियो में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मुझे, या देखने में प्रॉब्लम हो या साउंड में प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर मुझे बताएं, डे बाई डे इसको इम्प्रूव भी किया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।